दोस्तों तो आज का जो हमारा नया वीडियो वो है आयत के बारे में, हम लोग डिस्कस करने वाले आयत के क्षेत्रफल में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि एक्चुअली आयत क्या होता है। ठीक है, तो आयत क्या होता है? जहाँ पर किसी चार भुजाओं से घिरी आकृति को हम आयत कहते हैं और जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और इनका जो कोण होता है वो 90 एंग्स का होता है। हर जो एंगल होता है वो 90 होता है, ये 90 होता है, ये सारे एंगल 90 के होते हैं, तो ये क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। तो हम जान लेते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ फॉर्मूला मैं बताता हूँ आयत के क्षेत्रफल का। इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ कह सकते हैं। यहाँ पर हमने लेंथ को ए से कर रखा है और बी से कर रखा है, तो आप चाहें तो ए इंटू बी भी ले सकते हैं या फिर एल इंटू बी भी कर सकते हैं, तो कोई डिजाइन मैटर नहीं करता। आपको याद रखना है एल इंटू बी होता है, मेन बात याद रखनी है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, इसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देते हैं और आपको अच्छे से समझा देते हैं कि कैसे किया जाता है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एग्जाम्पल के लिए मैंने मान ली कि जो भुजा है आयत की एक 6 सेंटीमीटर है, यानी कि लंबाई जो है वो मैंने मान ली कि 6 सेंटीमीटर है और वही चौड़ाई यहाँ पर कितनी है 4 सेंटीमीटर मैंने मान ली है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका आयत का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे हम, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या कहलाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या करना है आपको, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई रखना है। लंबाई का मान 6 है, 6 कर देंगे, चौड़ाई 4 है, 4 मल्टीप्लाई करेंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, आयत का क्षेत्रफल तो निकाल लेंगे, लेकिन कभी कभी केसेस में क्या होता है, आपको आयत का क्षेत्रफल दिया होता है और आपको लंबाई या चौड़ाई में से किसी एक चीज़ को फाइंड आउट करना होता है। तो एक एग्जांपल और बताता हूँ जिसकी हेल्प से हम लंबाई या चौड़ाई भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर कि एक आयत का क्षेत्रफल मान लो 32 मीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई अगर 8 मीटर है, तो उसका उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला पता है हमें, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, हम लोग ऐसे रखेंगे, तो क्षेत्रफल है 32, तो क्षेत्रफल से क्षेत्रफल रखेंगे, लंबाई 8 है, 8 रख देंगे, चौड़ाई नहीं पता, चौड़ाई का चौड़ाई रहने देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, किससे काटेंगे, 8 से, तो क्या हो जाएगा, 8 चौके 32, तो चौड़ाई हमें कितनी मिल गई, 4 मीटर। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि चीज़ों को आयत के क्षेत्रफल जो निकालना होगा निकाल सकते हैं, यानी अगर क्षेत्रफल पता है तो लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे, या लंबाई चौड़ाई पता है उसमें क्षेत्रफल फाइंड कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं और कोई भी आपको समस्या नहीं होगी, समझ में आ गया होगा आयत क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, दो चीज़ क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई आपको समस्या है तो बेहिचक कमेंट्स करें, और अगर वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे वीडियो के साथ। तब तक ले, बाय बाय।